तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दोस्तों जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे धन वर्सेस शून्य ऐप के बारे में और देखेंगे आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत अपन करेंगे अकाउंट चार्जेस और अकाउंट इन्फॉर्मेशन से। तो अगर आप लोग किसी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के साथ में अपना अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस भी दी जाती है। कस्टमर सर्विस में धन एप्लीकेशन को 4.2 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, शून्य एप्लीकेशन को 3.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। धन एप्लीकेशन साल 2021 से अपने सर्विस मार्केट के अंदर में प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही शून्य एप्लीकेशन साल 2016 से मार्केट के अंदर में बना हुआ है। अगर आप इन दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो आप लोग इन दोनों ही एप्लीकेशन के साथ में अपना अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं। और आप जब किसी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के साथ में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहां पर आपको अकाउंट का मेंटेनेंस चार्जेस भी कंपनी को देना पड़ता है। तो यहां पर इन दोनों ही एप्लीकेशन के ऊपर में आपको एमसी चार्ज बिल्कुल जीरो मिल जाएगा। लेकिन वहीं शून्य एप्लीकेशन के ऊपर में अगर आप अपना कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहाँ पर आपके अकाउंट के ऊपर में 1000 रुपीज़ का ईएमसी चार्ज अप्लाई होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की जो आपको इन दोनों एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको धन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ब्रोकरेज चार्जेस बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग धन के साथ पे जाते हो, यहाँ पर ट्रेड करते हो डिलीवरी के ऊपर में, तो यहाँ पर आपके डिलीवरी ट्रेडिंग पर कोई भी ब्रोकरेज का चार्ज अप्लाई नहीं होगा। और वहीं अगर आप इक्विटी, इंट्राडे और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं धन के साथ में, तो यहाँ पर आपके ट्रेड के ऊपर में 0.03% के चार्जेस या फिर मैक्सिमम 20 रुपीज़ के ब्रोकरेज चार्जेस आपके ट्रेड के ऊपर में अप्लाई होंगे। और वहीं अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह में, तो यहाँ पर आपके ट्रेड के ऊपर में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपके ट्रेड के ऊपर में चार्जेस अप्लाई होंगे। और वहीं बात करें शून्य एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर आपके सारे सेगमेंट के ऊपर में, मतलब डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन में, इन सारे सेगमेंट के ऊपर में आपको कोई भी ब्रोकरेज का चार्ज देना नहीं पड़ेगा कंपनी को। बिल्कुल जीरो कमीशन में आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो धन के ऊपर में तो आपके ब्रोकरेज चार्जेस आपके सेगमेंट के ऊपर में लगने वाले हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शून्य के ऊपर में आपको सारे सेगमेंट के ऊपर में चार्जेस बिल्कुल जीरो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के साथ में जाते हो तो वहां पर ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा भी बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आगे वीडियो के अंदर में हम अदर चार्जेस और अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी का चार्ज आपको दोनों एप्लीकेशन के ऊपर में 18% का मिल जाएगा। धन के ऊपर में जब आप लोग ट्रेड करोगे तो वहां पे ब्रोकरेज चार्जेस के साथ साथ आप पर जीएसटी चार्ज भी अप्लाई होगा। और ऐसे ही जब आप लोग शून्य के ऊपर में ट्रेड करोगे तो यहाँ पर भी आपके ट्रेड के ऊपर में जीएसटी का चार्ज अप्लाई होगा। यहाँ पे शून्य के ऊपर में ब्रोकरेज चार्जेस तो आपको बिल्कुल जीरो मिलेंगे, लेकिन जो अदर टैक्सेस और चार्जेस होंगे वो आपके ट्रेड के ऊपर में अप्लाई होंगे। डीपी चार्जेस की बात करें तो धन के ऊपर में 12.5 रुपीज़ का डीपी चार्ज यहाँ पर आपको मिल जाएगा और शून्य एप्लीकेशन के ऊपर में 9 रुपीज़ का डीपी चार्जेस रखा गया है। डीपी चार्जेस आपके ट्रेड के ऊपर में सिर्फ तभी अप्लाई होंगे जब आप लोग डिलीवरी में ट्रेड करोगे, और वो भी जब आप डिलीवरी में सेल साइट पर ऑर्डर प्लेस करोगे तभी आप पर डीपी चार्जेस अप्लाई होंगे। एल्गो ट्रेडिंग आप लोग दोनों ही प्लेटफॉर्म के साथ में कर सकते हो और साथ ही एल्गो ट्रेडिंग के लिए एपीआई का यूज भी आप लोग दोनों ही प्लेटफॉर्म के साथ में बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें जो आपको दोनों एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप लोग धन एप्लीकेशन का यूज करके नहीं कर सकते, शून्य एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोग ये कर सकते हो। आईपीओ वगैरह में अगर आप लोग बिडिंग करते हो तो दोनों एप्लीकेशन का यूज करके आप लोग ये कर सकते हो। ईटीएफ वगैरह में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोनों एप्लीकेशन का यूज करके आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बॉन्ड्स वगैरह में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो धन एप्लीकेशन के साथ में आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन शून्य के साथ में जाकर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो पूरा कंपैरिजन आपने यहाँ पर देख लिया है। और अब बात करें इनमें से बेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन कौन सा है आपके ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पर आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग इनमें से जो भी एप्लीकेशन सही लगता है आप उसके साथ में जा सकते हैं।